रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूंगा वो टेलीग्राम के रिलेटेड है। टेलीग्राम की जो है वो टॉप 5 जो है वो टिप्स और ट्रिक्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप टेलीग्राम जो है वो ऐप इस्तेमाल नहीं करते तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत बेहतरीन ऐप है कॉलिंग के लिए और बहुत सी नए फीचर्स के लिए जो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सो पहले जो फीचर मैं आपके साथ जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपने जब टेलीग्राम ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप अगर किसी से चैट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय और सेंड करूँगा। सेंड करने के बाद आपके जहन में आता है कि यार मैंने जो है ये मैसेज जो है ये हाय नहीं लिखना था, कुछ और लिखना था। तो आपने क्या करना है, आपने हाई पे थोड़ा प्रेस करके रखना है और यहाँ पे एक पेंसिल की जो निशान है, पेंसिल की जो ऑप्शन है फर्स्ट वाली, इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसको जो है चेंज कर सकते हैं, यानी कि या इसको आप हाय या कुछ भी और आइकन जो है, या सलाम लेना चाह रहे हैं या कोई भी और वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हाय की जगह जो है अब ये जो शॉर्टकट जो हम अस्सलाम वालेकुम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे शो हो गया है। सो इस तरह बआसानी जो है आप इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बहुत ज़बरदस्त ये फीचर है, आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। और दोस्तों जो दूसरा जो फीचर है वो मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको जो मैसेज है इसको डिलीट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये जो अस्सलामु अलैकुम का जो मैसेज मैंने राइट किया था इसको आप जो है वो डिलीट करना चाह रहे हैं, आप कुछ और वर्ड लिखना चाह रहे हैं तो आपकी तरफ से भी और दूसरे की तरफ से भी डिलीट हो जाए, तो आप इस पे प्रेस करके रखना है और ये ऊपर सबसे ऊपर है डिलीट की ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आल्सो डिलीट फॉर यासी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसकी तरफ से भी डिलीट होगा और आपकी तरफ से भी ये डिलीट हो जाएगा। सो ये दो फीचर्स जो है बहुत बेहतरीन है आपने इसको। और नंबर 3 जो फीचर है वो मैं आपको बताता चलूँ, आपने जाना है 3 लाइंस पे, यहाँ पे जाने के बाद आपने जाना है सेटिंग में। सेटिंग भी आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे जो तीसरी जो ऑप्शन है वो नया फीचर मैं आपको बताऊँगा वो है आप यहाँ पर यूज़र नेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस, अगर कोई आपके साथ जो कॉन्टेक्ट करना चाह रहा है और आपको अपने को नंबर नहीं बताना चाह रहे तो आप उसको अपना यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो बहुत आसान प्रोसेस है ये भी, आप यूज़र नेम भी आप अपने नाम से या कोई भी आप जो अपनी कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। सो ये 3 फीचर्स हो गए। नंबर जो 4 नंबर पे जो फीचर है वो आपको मैं बताता चलो, आपने जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपको जो है बहुत सारे फीचर्स जो है व्हाट्सएप की तरह के फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे और कुछ से उससे भी थोड़े से डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ब्लॉक यूज़र, अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है वो आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो कौन कौन देख सकता है, यानी कि हु कैन सी माई फ़ोन नंबर, एवरीबॉडी, हर कोई, माई कॉन्टेक्ट यानी कि जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में है वही, या नोबॉडी यानी कि कोई भी आपका मोबाइल नंबर जो है वो नहीं देख सकता। व्हाट्सएप में क्या होता था, व्हाट्सएप में जो है वो आपका नंबर जो है वो नज़र आ जाता था, तो ये आप इस तरह जो है इसको नोबॉडी पे करेंगे तो कोई भी जो है वो आपका जो नंबर है वो नहीं देख सकेगा। सो नंबर 5 पे जो मैं चीज़ आपके साथ जो शेयर करूँगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको 2-स्टेप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इसको, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग लॉक जो है वो लगा सकते हैं ताकि आपके बगैर पूछे जाओ वो आपका टेलीग्राम कोई भी ओपन ना कर सके। सो नंबर 6 पे जो मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करूँगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने क्या करना है, आपने चैट सेटिंग में जाना है। चैट सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे जो है आप इसका जो है मैसेज टेक्स्ट साइज है उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आए तो चेंज चैट बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर, ये देख सकते हैं डिफरेंट और बहुत प्यारे प्यारे जो है यहाँ पे जो है फीचर्स हैं वो अवेलेबल है। सो इस तरह जो है वो बआसानी जो है आप अपनी चैट की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं, वो आप अपने जो है आपको किस तरह के फीचर्स इस्तेमाल करने हैं या आप कैसा फीचर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सो उसके मुताबिक भी आप इसको जो है वो इस्तेमाल
कर सकते हैं। सो बहुत आसान है ये। और लास्ट पे जो है वो नंबर 7 पे जो मैं फीचर आपके साथ शेयर करूंगा वो है डिवाइसेस। डिवाइसेस में जाना है, ये इसमें भी सेम व्हाट्सएप की तरह है, आप इसको पीसी या किसी और मोबाइल में भी एट द टाइम लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि आप मोबाइल पे भी लॉगिन होंगे और आप पीसी पे भी लॉगिन हो सकते हैं। आपने स्कैन क्यूबार पे क्लिक करना है और आपने अपने पीसी स्क्रीन पर या गूगल में जाके जो है वहाँ पर आपने वेब टेलीग्राम लिखना है, उसका जो क्यूबार आएगा आपने इसको जो है स्कैन QR कर लेना है। इस तरह आपका टेलीग्राम यहां भी ओपन होगा और वहां पे भी ओपन हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह आप जो है टेलीग्राम की जो ऐप है, ये कॉलिंग ऐप, वीडियो कॉलिंग ऐप है, इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, अगर डिस्कस करता जाऊँ तो बहुत सारे फीचर्स हैं। जो मेन फीचर्स थे, जो नए फीचर्स थे, जो व्हाट्सएप से थोड़ा हट के थे, वो मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दिया। बाकी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना, उसके बाद इसमें अबाउट में लिखना, नोटिफिकेशन, साउंड वगैरह, ये भी तकरीबन सारे सेम ही हैं। और लैंग्वेज वगैरह, उसके बाद डाटा एंड स्टोरेज भी, अगर आप जाएं डाटा स्टोरेज पे भी आपको सेम वही फीचर मिलेंगे जो आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल होते हैं या वहाँ पे मिलते हैं। सो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो जाते जाते इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली अपडेट, हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बआसानी और जल्दी पहुँच सके। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।